बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियां थी। रामू के ध्यान में आया कि उनमें से एक मुर्गी अंडे नहीं दे रही थी। आ, ये मुर्गी मुझे कुछ भी करके बेचनी होगी। कैसे बेचूं? रामू ने तय किया कि उस मुर्गी को वो गांव के बाजार में बेच देगा। रामू को लोगों को फंसाना अच्छा लगता था। रामू अंडे न देने वाली मुर्गी और बाकी मुर्गियों के अंडे लेकर बाजार के लिए निकला। रामू बाजार के रास्ते से जाते वक्त ये कौन? हावड़ा बराबर, कहाँ से आ रहे हो आप? अब मैं क्या ही बोलूं रामू, मैं तो गांव के बाजार से लौट रहा हूँ। क्या बात हुई? मैं इस गाय को बेचने के लिए गया था। कुछ दिन से बहुत कम दूध दे रही है, कोई इसे खरीदना नहीं चाहता रामू। कितना दूध देती है ये गाय? क्या बताऊं, मुश्किल से एक ही लीटर। वैसे रामू, क्या तुम इस मुर्गी को लेकर गांव के बाजार जा रहे हो? हाँ, नहीं, मैं तो उसे लेकर कहीं और जा रहा हूँ। इस मुर्गी के साथ? अरे ये आप किसी को बताना मत, ये मुर्गी ना जादुई मुर्गी है। जादुई मुर्गी? झूठ मत बोलो रामू। आप मानो या ना मानो, पर ये मुर्गी एक दिन में 10 अंडे देती है। अरे बाप रे। कभी कभार तो ये मुर्गी सोने के अंडे भी देती है। लेकिन इसका सबूत क्या है? ये रहा, ये सब इसने इसी सफर में दिए हुए अंडे हैं। कि ये सोने के अंडे देती है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ लेकर घूमता हूँ। ओह, इस पर विश्वास रखना तो नामुमकिन है। ठीक है, मत विश्वास करो। वैसे भी मैं इसे एक पिंजरे में बंद करने वाला हूँ। हमेशा इसे लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। रामू, क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? अगर तुम पूछोगे तो नहीं, ये मेरे लिए तो नुकसान है। मैं बड़ी कीमत दूंगा और साथ में ये गाय भी। कितने पैसे दोगे? मेरे पास 5 चांदी के सिक्के हैं। 5 चांदी के सिक्के, वो भी सोने के अंडे देने वाले मुर्गी के लिए? ये सोने के अंडे देती है। मेरे पास तो अब ये सोने की अंगूठी ही बची है, इसके बदले जादुई मुर्गी तो दे ही दोगे ना? ये तो असली मूर्ख है। अब मुझे इस गाय को किसी और को बेचना होगा। कुछ करता हूँ। तुमने अब गाय पालना भी शुरू कर दिया? अरे ये कोई साधारण गाय नहीं है, इस गाय का दूध बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा है क्या? सिर्फ इतना ही नहीं, वो दिन के 30 लीटर तक दूध देती है और कभी कभी 40 लीटर भी। और क्या चाहिए? क्या तुम सच बोल रहे हो, 40 लीटर दूध? हाँ, मुझे भी पहली बार विश्वास बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उसने मुझे 30 लीटर दूध निकाल करके दिखाया और दिया भी। तो फिर वो दूध कहाँ है? मैंने उसे बाजार में बेच दिया। पर तुम्हें तो इन सब का कुछ अनुभव ही नहीं है,
नहीं, जब मैंने इसे देखा तो मुझे इसे देने की इच्छा नहीं हुई। और वो कोई होशियारी होगा जो इतने फायदेमंद गाय को नहीं खरीदेगा। ये भी ठीक है। कुछ दिनों से मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी एक गाय खरीद लूँ। ऐसा है तो अच्छी गाय देखो और खरीद लो। मैंने इसके लिए 20 चांदी के सिक्के दिए थे। मैं तुम्हें 25 चांदी के सिक्के दे देता हूँ, तुम मुझे गाय दे दो। ओ, माफ करना, मैं ये तो नहीं बेच रहा। रामू देखो, तुम्हें गाय पालने का कोई अनुभव नहीं है और मुझे गाय चाहिए। हम एक अच्छा सौदा कर लेते हैं, ठीक है? ऐसा है तो तुम मुझे जबरदस्ती कर रहे हो। मैं तो तुम्हें मना नहीं कर सकता ना, बराबर? ठीक है, ले जाओ। अगर मैं सिर्फ इसका दूध निकालूं तो ठीक है? तुम्हें मुझे 25 चांदी के सिक्के नहीं देने हैं, 20 भी चल जाएंगे। ये सुनकर वो किसान खुश हुआ और खुशी में वो गाय का दूध निकालना भूल गया। आपको समझ आई रामू की चालाकी? रामू बहुत खुश हो गया। दूध निकालने के बारे में कुछ ना कहते हुए उसने 20 चांदी के सिक्कों के बदले गाय किसान को बेच दी। आज का दिन तो वाकई में अच्छा था, काश हर दिन ऐसा हो। जिस किसान ने गाय को खरीदा था उसने गाय को बहुत सारा चारा खिलाया, पर किसान की खुशी बहुत देर टिकी नहीं। दूसरे दिन जब किसान गाय का दूध निकालने गया तब अरे अब हम क्या करें? इस रामू ने हमें धोखा दिया है। उसने कहा 30 लीटर दूध मिलेगा, पर यहाँ तो 2 भी नहीं मिला। खरीदने से पहले एक बार सोच लिया होता। गाय तो खरीद ली है, मेरे साथ धोखा हुआ है। रामू गाय वापस नहीं लेगा, ये बात तो पक्की है। एक बार हम सरपंच से मिले क्या? सही है, मैं जाकर तुरंत वापस आ जाता हूँ। वो किसान सरपंच से मिलने निकला। किसान ने अपनी चिंता सरपंच के पास व्यक्त की। अच्छा सुनो, जाकर रामू से कहो कि गाय तुमने कहा उससे ज्यादा दूध देती है। और ये भी बताना कि तुम सारा दूध मुझे देते हो। इस प्रकार सरपंच की राय सुनकर किसान रामू के घर की तरफ निकला। रामू के घर की तरफ जाते वक्त ही रामू, तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। मैं और मेरा परिवार तुम्हारी गाय के वजह से बच गया। ऐसा? हाँ रामू, गाय तो रोज 40 लीटर दूध दे रही है। मैं वो सारा दूध गांव के मुखिया को देता हूँ। ठीक है रामू, मुझे जाना है, मिलते हैं। क्या मैंने इसको गाय देकर कुछ गलती की? मैं अभी गांव के मुखिया से मिलता हूँ। रामू सरपंच से मिलने के लिए उसी दिन उनके घर पहुंचा। आहा, कौन? रामू, आओ आओ। तुम्हें दूध चाहिए ऐसा मैंने सुना। हाँ चाहिए तो था, पर एक किसान हमेशा मुझे बहुत स्वादिष्ट दूध ला कर देता है और सस्ते में देता है। अरे अब मैं क्या करूँ, मुखिया जी तो झूठ नहीं बोलेंगे, मतलब वो किसान सही कह रहा था। रामू बहुत दुखी हो गया। रामू अब किसान के घर की तरफ निकला। हाँ आओ रामू, शरारती गाय को ये घास अच्छी लगती है। वैसे तो मैं गाय वापस खरीदने के लिए आया हूँ। वापस खरीदने आए हो? हाँ। नहीं, मैं नहीं दे सकता, मैं इसे बेच नहीं रहा हूँ। इस गाय ने मेरी जिंदगी बदल दी। ऐसा मत कहो, मुझे ये गाय खरीदने की बहुत इच्छा थी, पर मैंने इसके बारे में बाद में सोचा। अरे नहीं नहीं, मैं इसे नहीं दूंगा, तुम कितने भी पैसे दो तो भी।
ठीक है, मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ जितने में मैंने खरीदा था। ठीक है, तुम्हारा दुख मैं समझता हूँ। तो क्या दोगे मुझे? तुमने मुझे क्या दिया, तुमने मुझे 20 चांदी के सिक्के दिए, बराबर। मैं तुम्हें 30 देता हूँ। 30? बिल्कुल नहीं, कम से कम 40 चांदी के सिक्के तो चाहिए ही। ठीक है, देता हूँ। कीमत ज्यादा हुई तो क्या हुआ, मुनाफा भी तो होगा ना। रामू, जो गड्ढा तुमने खोदा था तुम खुद उसमें गिर गए। जंगल के पास एक गांव में किंगिनी नाम का एक बछड़ा रहता था। किंगिनी सुंदर थी और बदमाश भी थी। अरे सुबह हो गई, मुझे उठ जाना चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है ना, मैं तालाब के किनारे जाकर घास खाता हूँ। वहाँ की घास बहुत ही स्वादिष्ट है। आह, उसके बारे में सोचकर ही मुंह में पानी आ गया है। किंगिनी रुको, अकेले मत जाओ, मैं भी आती हूँ। हाथियों का झुंड तालाब में आया होगा, अकेले जाना खतरनाक होगा। कुछ नहीं होगा माँ, मैं ध्यान रखूंगी। क्या करे, सुनती ही नहीं है ये। मुझे वो कुंजन यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा है। सुबह तो हो गई है पर क्या वो अभी भी नहीं उठा? मुझे वो यहाँ पर भी नहीं दिख रहा। मैं उसके घर जाती हूँ और उसको लेके आती हूँ। किंगिनी बछड़ा और कुंजन नाम की एक चींटी बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। कुंजा कुंजा, बाहर आओ ना, हमें जाना चाहिए। ओह, लगता है सुबह हो गई। अरे ये क्या किंगिनी, सुबह सुबह कहाँ चली? तुम जल्दी आओ, मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे तालाब के पास जाकर वो घास खानी है। तो फिर तुम जल्दी जाओ और घास खाकर वापस आ जाओ। कल ही मैंने मेरे घर पर खाना भर कर रखा है। ऐसी बात नहीं है कुंजा, तुम्हारा ना आना सही नहीं है। शायद वो हाथियों का झुंड तालाब के पास आ गया होगा। उसमें वो मानियन हाथी बहुत दुष्ट है। वो जब भी मुझे देखता है मुझे पकड़ने के लिए आ जाता है। वो मुझे कभी भी घास नहीं खाने देगा और वो खुद भी घास नहीं खाएगा और खुद का पेट भी नहीं भरेगा। अच्छा, मगर वहाँ आकर मैं तुम्हारे साथ करूँ क्या? तुम बस मेरे पास खड़े रहो और जिस वक्त मैं घास खाऊंगी तुम तालाब की तरफ ध्यान रखना। और जैसे ही वो तालाब से बाहर आते हैं हम वहाँ से निकलकर बहुत दूर भाग जाएंगे। ओ ऐसा है क्या, फिर मैं चलती हूँ। और फिर कुंजन चींटी और किंगिनी तालाब की ओर चलने लगी। अरे किंगिनी, हमने मनियन हाथी को ऐसे आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। वो खुद तो घास खाता नहीं है और तुम्हें भी नहीं खाने देता है, ये बात तो सही नहीं ना? हाँ तुम एकदम सही बात कर रहे हो, पर अगर हमने हाथियों के साथ मस्ती की तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। हाथी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, हम उन्हें कभी भी नहीं हरा सकते। इसलिए मनियन हाथी को इसका बहुत घमंड है। उसके अहंकार को आज मैं ही तोड़ूंगी।
तुम बहुत ज्यादा छोटे हो उसके साथ लड़ाई करने के लिए। उस हाथी को तुम पर सिर्फ पैर रखने की देरी है, धड़ाम, और बाकी तुम जानते ही हो। हाँ मैं छोटी हूँ, सच है ये, मगर मैं भी बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। हाँ चलो देखते हैं कि ये छोटी कुंजन हाथियों के सामने क्या कर पाती है। तुम सिर्फ देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। कुंजा, मुझे तुम्हारा कहना सुनकर ही डर लग रहा है। अरे डरो मत। क्या वो किंगिनी वहाँ पर घास खा रही है? उसमें आज इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? क्या उसने मुझे यहाँ पर देखा नहीं? कोई बात नहीं, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। डरे पेट भर के घास खाओ। मैंने उसको इतने जोर से आवाज लगाई, फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ा। अब मुझे जाकर उसे पकड़ना ही होगा। मनियन के साथ अब मैं बात करूंगी। मनिया रुको, वही किंगिनी ने तुम्हें कभी परेशान नहीं किया, तो फिर बिना मतलब क्यों तुम उसे हमेशा भगा देते हो? तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? अगर मैंने तुम्हारे ऊपर पैर रख दिया तो तुम कुछ ले जाओगी। तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतर यही होगा कि तुम इन सब से दूर ही रहो। से इतने आसानी से बाहर नहीं आऊंगी। मैं तभी बाहर आऊंगी जब तुम किंगिनी को कभी भी परेशान ना करने का वचन दोगे। नहीं गुंजा, मैं कभी भी किंगिनी को परेशान नहीं करूंगा। तुम प्लीज बाहर आ जाओ। शक्तिमान हो, मगर तुमने तुम्हारी शक्ति दूसरों को डराने के लिए नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तुमने तो तुम्हारी शक्ति दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर कभी मनियन हाथी ने किसी भी जानवर को परेशान नहीं किया। और इतना ही नहीं, कुंजन, किंगिनी और मनियन बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। किच्चू और दादी अम्मीनी एक छोटे से सुंदर गांव में रहते थे। वो दोनों भी बहुत प्यार से रह रहे थे। दादी के पास दो गायें थी। ऐसे ही एक दिन दादी और छोटा किच्चू गाय को घास खिला रहे थे। बेटे किच्चू, ये घास उस काली गाय को खिलाओ। बछड़े को कल नदी पर नहलाने लेके जाए? फिर से? अरे कल ही तो गए थे ना। कोई बात नहीं दादी, हम कल भी चले जाएंगे। ठीक
ठीक है, ये लड़का बड़ा ही चंट है। तुम्हें पानी में खेलना है ना? नहीं दादी, मैं पानी में नहीं खेलूंगा। चल झूठे, दादी से झूठ बोलोगे हाँ? और तभी एक भूखा भिखारी गांव में से भिक्षा मांगते हुए जा रहा था। दादी को देखकर वो भिखारी धीरे धीरे उनके घर के पास आने लगा। ओहो, ओहो, मैं बहुत थक गया हूँ क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत चलकर आया हूँ। मैं भिखारी हूँ, बहुत भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ दे दें, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, हाथ धोकर तुम बरामदे में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। अरे ठीक है, भूखे को खाना खिलाना अच्छा होता है ना? ओ अच्छा। तो सुन, मुझे तेरी चैन चाहिए बुढ़िया, सुना कि नहीं? खाना खाकर शक्ति मिलने के बाद उस भिखारी का इरादा ही बदल गया। वो एक चोर था, वो जोर जोर से हंसने लगा। बेचारी दादी और किच्चू ये सब देखकर डर गए। अरे हमें कुछ मत करो, हम तो सीधे साधे लोग हैं। तो फिर जल्दी तेरे कंगन और चेन मुझे दे दे बुढ़िया। दादी दादी, ये चीज सोने की है ना? पर आपने तो कहा था सारा सोना रूम में अलमारी में सुरक्षित है। क्या तो तुम मुझे नकली चेन देकर उल्लू बनाना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? कहाँ है वो कमरा? बाजू हटो। दादी का होशियार पोता, चलो गांव वालों को बुलाते हैं। रुक जाइए दादी माँ, उस गरीब इंसान को दो दिन तक भूखा रखते हैं, फिर गांव वालों को बुलाएंगे। बिल्कुल सही, जब हमने उसे खाना खिलाया तब उसने सही रंग दिखाया। हाँ दादी माँ, हमने उसे सबक सिखाना चाहिए। और इस प्रकार अपने होशियार किच्चू ने चोर को पकड़ा। वो चोर दो दिन तक उस कमरे में भूखा रहा। उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। उसके बाद दादी ने गांव वालों को बुलाया और उन सब ने मिलकर उस चोर को गांव से बाहर हकाल दिया। उसके बाद वो चोर फिर उस गांव में कभी नहीं आया।